वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, डोंट बाय टाटा टियागो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बेसिकली इस गाड़ी को मेरे साथ 2 साल हो चुके हैं एंड जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्सटर्नल लुक्स एंड फीचर्स की। सो अगर हम फ्रंट लुक की बात करें, इस गाड़ी में आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, नीचे फॉग लाइट देखने को मिल जाएगी एंड बीच में टाटा का लोगो। सो फ्रंट लुक इस गाड़ी की आपको थोड़ी शार्प देखने को मिलेगी, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, एंड हेडलाइट की थ्रो भी आपको अच्छी देखने को मिलती है इस गाड़ी में। बाकी अगर हम बात करें साइड लुक की, साइड में आपको इस गाड़ी में 15 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे एंड उनका साइज़ है 175x60 रिम 15। आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाएंगे टॉप एंड वेरियंट में। एंड उसके साथ अगर हम बात करें साइड लुक की, साइड में आपको ब्लैक ORVM प्रोवाइड किया जाएगा विद इंडिकेटर। उसके साथ बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ब्लैक पिलर्स मिल जाएंगे एंड ये सनवाइजर मैंने आफ्टर मार्केट फिट करवाए हैं। बाकी अगर बात करें बैक लुक की, बैक में इस गाड़ी की लुक्स कुछ ऐसी हैं, आज की टाटा टियागो में भी आपको इसी टाइप की लुक्स देखने को मिलती है, बस फ्रंट पे आपको प्रोजेक्टर दिया गया है। उसके साथ बैक लुक आप देख ही पा रहे हैं, आपको फीचरफुल गाड़ी देखने को मिलती है बैक से भी, जैसे कि रियर कैमरा, रियर डिफॉगर। एंड अगर मैं लाइट की बात करूँ, लाइट आपको कुछ ऐसी दिखेगी, नॉर्मल है, बल्ब वाली LED नहीं है। उसके साथ बैक कैमरे की पोजिशन इसके यहाँ पर दी गई है। आपको रियर वाइपर विद वॉशर एंड एमरजेंसी लाइट इसके स्पॉइलर में मिल जाएगी। बाकी आप ये देख पा रही हैं, इसके डिफॉगर कुछ ऐसा दिखता है। उसके साथ ये बात कर ली हमने इस गाड़ी के बैक लुक की। और लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड भी एकदम सेम है, बस आपको पेट्रोल डालने वाला लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, वो हर एक गाड़ी में यहाँ पर ही देखने को मिलता है। बाकी ये मेरा ड्यूल टोन मॉडल है, इसकी रूफ आपको ब्लैक देखने को मिलेगी, एकदम ग्लॉसी ब्लैक। 10,000 का फ़र्क था, यानी कि अगर आपने नॉर्मल लेनी है वो 10,000 सस्ती थी एज़ कम्पेयर टू ड्यूल टोन। सो ये बात कर ली हमने इस गाड़ी के एक्सटर्नल लुक्स की। कैसी लगी आपको ये गाड़ी की लुक्स, कमेंट करके बता देना, मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। सो ये रही इस गाड़ी की चाबी, कुछ ऐसी दिखती है। और इसमें एक फीचर है बड़ा प्यारा लगा मुझे, कि जब आप जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करेंगे वैसे ही इसके मिरर खुल जाएंगे अपने आप एंड वैसे ही ऑटो फोल्ड हो जाएंगे, जो मुझे एकदम प्रीमियम लगा। बाकी इसमें ऑटो हेडलैम्प्स का फीचर भी आ जाता है। और अगर बात करें इसकी सीट की, सीट आप देख ही पा रहे हैं, जैसे कि ये टॉप एंड वेरिएंट है, आपको इसमें हाइट एडजस्टेबल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, अनिक्लाइन का तो मिलेगा ही। बाकी ये रहा इसका डोर, यहाँ पे आपको स्पीकर दिया गया है नीचे। उसके साथ आपको इस गाड़ी में ऑल 4 पावर विंडोज़ एंड ट्विटर की पोजिशन इसके पिलर में है। बाकी अब कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की बात। सो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, पुश स्टार्ट बटन नहीं देखने को मिलेगा, नॉर्मल की देखने को मिलेगी। सो ये रहा इसका कुछ इंटरफेस, जिसमें आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन शो होगी। एंड अगर आप माइलेज देख पा रहे हैं इस गाड़ी की, 12 पॉइंट समथिंग है, ये इसकी प्रॉब्लम है कि सिटी में माइलेज ही नहीं देती। उसके साथ ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाएगा एंड ये ऑटोमेटिक AC, उसके साथ 5 गियर्स एंड ये इसकी हैंडब्रेक नॉर्मल आर्म रेस्ट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ ये आपको मिल जाएगा ग्लोव बॉक्स, नॉर्मल स्पेस है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। उसके साथ आपको इस गाड़ी में मैनुअल IRVM देखने को मिलेगा। ये रहा इसका सनशेड, जहाँ पे आपको शीशा नहीं देखने को मिलेगा। ये रहा इसका माइक। उसके साथ अगर हम पैसेंजर की बात करें, वहाँ पे आपको छोटा सा मिरर दिया गया है जो कि देखने में नॉर्मल है। बाकी ये रहा इसका हैंडल एंड रूफ में आपको एक ही लाइट दी गई है, फ्रंट में आपको कोई भी लाइट नहीं देखने को मिलेगी, यानी बीच में है। सो पहली प्रॉब्लम तो मुझे इस गाड़ी में ये फेस हो रही है कि सिटी में 12-13 की माइलेज ही दे रही है, उससे ज़्यादा नहीं दे रही, 14-15 की दे दे वो बढ़िया बात है। दूसरे प्रॉब्लम की बात करें, वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। जब मैंने ये गाड़ी ली थी, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद था एंड कंपनी ने जुगाड़ करके दिया, यानी कि इसके बैटरी के टर्मिनल्स खोले, इंफोटेनमेंट सिस्टम चल पड़ा एंड बाद में दोबारा बंद हो गया। एंड ये प्रॉब्लम काफ़ी कस्टमर्स को थी जिनके पास टाटा टियागो है। बाद में मैंने कंप्लेन करी, फिर कंपनी ने मुझे न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम डाल कर दिया। बाकी अगर आप ये प्रॉब्लम गूगल करेंगे, आपको कई सारे कस्टमर्स देखने को मिल जाएंगे जो ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। उसके साथ आपको फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा एंड सीट का फैब्रिक भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। इस गाड़ी में आपको ब्लैक कलर की सीट्स देखने को मिल जाएंगी, जो जल्दी गंदी नहीं होती। सो ये इस गाड़ी का इंटीरियर था, कैसा लगा आपको कमेंट करके बता देना। मुझे पर्सनली स्विफ्ट से भी ज़्यादा अच्छा इंटीरियर लगता है इस गाड़ी का। बाकी ये रही इसकी बैक सीट्स, बैक में भी आपको काफ़ी बढ़िया सीट्स देखने को मिल जाती हैं। सो अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊं, सो बेसिकली आगे वाली सीट पूरी पीछे है एंड आपको अच्छी खासी लेग स्पेस देखने को मिल जाती है एंड उसके साथ थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया है।
अगर मैं डोर की बात करूं, ऊपर आपको ट्विटर दिया गया है छोटा सा। इस गाड़ी में चार ट्विटर्स, चार स्पीकर्स हैं एंड इसका म्यूज़िक सिस्टम JBL का है। काफ़ी बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम प्रोवाइड करके देती है टाटा इस छोटी सी गाड़ी में भी। बाकी सफारी एंड हैरियर में भी आपको हार्मन का म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिलता है एंड बैक में आपको नॉन एडजस्टेबल फिक्स टाइप ऑफ हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, जो इतने भी कंफर्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बूट की। अगर आप इस गाड़ी का बूट खोलना चाहते हैं, आपको ऐसे चाबी लगानी पड़ेगी। आपको कोई भी सेंसर नहीं दिया गया या फिर बटन। और अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं, आपको इस गाड़ी में 242 लीटर्स का बूट देखने को मिलेगा विद पार्सल ट्रे एंड पार्सल ट्रे की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी अगर मैं स्पेयर टायर की बात करूँ, स्पेयर टायर आपको इस गाड़ी के नीचे दिया गया है, यानी कि यहाँ पे एक गत्ता है, ये रहा स्पेयर टायर एंड इसकी मैक्सिमम स्पीड है 80 किलोमीटर पर आर। टायर साइज़ आप इस गाड़ी का बाद में देख लेना वीडियो पॉज करके। बाकी लेफ्ट साइड में आपको एक छोटी सी जगह देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको टूल्स देखने को मिल जाते हैं। सो ये बात कर ली हमने इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। सो बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। अगर मैं बोनेट के वेट के बारे में बात करूँ, काफ़ी हैवी बोनेट है इस गाड़ी का। सो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा, जो प्रोड्यूस करता है 85 BHP एट द रेट 113 NM ऑफ टॉर्क। इस गाड़ी की एक कमी है कि इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर्स देखने को मिलते हैं एंड वाइब्रेशंस भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी ये रही इसकी बैटरी, मैंने इसकी बैटरी चेंज करवाई थी, यानी कि 2 साल में ही जो कंपनी फिटेड बैटरी है वो ख़राब हो गई थी, उसके बाद मैंने पिछले महीने इसकी न्यू बैटरी डाली। सो ये रहा इसका ऑयल फिल्टर, जो चेंज करना काफ़ी आसान है। अब कर देते हैं इस गाड़ी को बंद। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। पहले कॉन के बारे में बात करूं, पहला कॉन यही है कि मेरे को इस गाड़ी की माइलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ये गाड़ी मुझे सिटी में 12-13 की ही देती है। दूसरे कॉन की बात करूं, वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो डिलीवरी लेते ही बंद था। एंड तीसरे प्रॉब्लम की बात करूँ, वो है वाइब्रेशंस। अगर आप इसका AC चलाएंगे तो आपको वाइब्रेशंस सामने फील होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 3 सिलेंडर्स इंजन देखने को मिलता है। एंड अगर मैं लास्ट कॉन की बात करूँ, वो है इसकी बैटरी, आपको कंपनी से एकदम बेकार बैटरी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्रोस के बारे में। पहला प्रो ये है कि इस गाड़ी में आपको बेस्ट बिल्ट क्वालिटी देखने को मिल जाती है, ओवरऑल डोर्स काफ़ी भारी है। दूसरे प्रो की बात करें, वो है इसकी लुक्स एंड इंटीरियर के फीचर्स। आपको इस गाड़ी में डिसेंट लुक्स प्रोवाइड की गई हैं एंड फीचर्स भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं, इंटीरियर जैसा कि आपने इस गाड़ी का देखा ही होगा। अगर हम अगले प्रो की बात करें, वो है हाईवे राइड क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी। सो अगर आप इस गाड़ी को 120 या 140 पे भी चला रहे हैं हाईवे पे, आपको कॉन्फिडेंस की कोई भी कमी फील नहीं होने वाली, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये, एकदम रोड से चिपक के चलती है। लास्ट प्रो की बात करें, वो है इस गाड़ी की स्पेस, आपको इस गाड़ी में डिसेंट स्पेस प्रोवाइड करके देती है टाटा कंपनी। सो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद लगाता हूँ कि आपको हेल्प करेगी अगर आप प्लान कर रहे हैं बाय करने की टाटा टियागो। सो टेक केयर, जय हिंद।